दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिमालय यष्टि मधु यानी कि मुलेठी के बारे में। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इसके क्या क्या यूजेज़ हैं, इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की संपूर्ण जानकारी जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। हिमालय यष्टि मधु की हर एक टैबलेट में यष्टि मधु यानी कि मुलेठी के जड़ का एक्सट्रैक्ट पाया जाता है। यह 100% प्योर वेजिटेरियन है और किसी भी प्रकार के कलरिंग एजेंट या फ्लेवरिंग एजेंट से रहित है और शुगर फ्री है। सो बात करते हैं हिमालय यष्टि मधु में पाई जाने वाली प्रॉपर्टीज़ के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर डिमल्सेंट प्रॉपर्टी होती है जो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना देती है, जिससे किसी भी तरह के होने वाले माइनर पेन या इन्फ्लेमेशन से राहत मिलती है। इसके अंदर एंटी अल्सरजेनिक एजेंट मिलते हैं, जिसकी वजह से स्टमक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक किया जा सकता है और छालों को होने से भी रोका जा सकता है। हिमालय यष्टि मधु के अंदर एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, जो हेलिकोबैक्टर पेलोरी नाम के बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। यह बैक्टीरिया पेट में छालों की मुख्य वजह होती है। बात करते हैं हिमालय यष्टि मधु के यूजेस के बारे में। यह शरीर के नॉर्मल डाइजेस्टिव फंक्शन को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से खाना आसानी से पचता है। मुलेठी का इस्तेमाल आँखों की रोशनी और बालों को मजबूत करने में भी किया जा सकता है। यष्टि मधु एक सेक्सुअल बूस्टर की तरह भी किसी हद तक काम कर सकती है। मुलेठी के पाउडर को त्वचा पर लगाने से शरीर के रूखेपन को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा खराब गले को सही करने के लिए और वात को कम करने के लिए भी हिमालय यष्टि मधु का उपयोग किया जाता है। यह गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि छालों को ठीक करता है। यष्टि मधु कैप्सूल सीने में होने वाली जलन को कम करने में काफ़ी सहायक है। यह कैप्सूल नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया यानी कि किसी भी इंसान के अंदर खाना न पचना और उस खाने न पचने की कोई भी वजह नहीं पता हो, तो उस तरह के इंडाइजेशन को सही करने में यष्टि मधु कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। हिमालय यष्टि मधु कैप्सूल का इस्तेमाल GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ को ठीक करने में भी किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हिमालय यष्टि मधु को किस तरह लेना चाहिए। दोस्तों, हिमालय यष्टि मधु की एक टैबलेट दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने से ठीक आधा घंटे पहले लेनी चाहिए, मगर आप इसको खाने के बाद भी ले सकते हैं और किसी भी प्रकार की दवा को बिना डॉक्टर के सुझाव के न लें। तो बात करते हैं हिमालय यष्टि मधु की वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। वैसे तो हिमालय कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट पे किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट क्लेम नहीं करती, मगर कुछ लोगों में एक्सेस अमाउंट में यह लेने से वोमिटिंग की शिकायत देखी जा सकती है। इसको किसी भी प्रेग्नेंट वूमेन या ब्रेस्ट फीडिंग मदर को बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए न दें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें।